आप लोग लेंगे चाय? नहीं। क्यों? खत्म हो गई। चाय पीने का मजा मालूम है क्या है? जोर से आवाज आने का। देखो मैं निकल। गला साफ हो जाता है। बच्चों लोग, मेरी प्रथा है जब मैं ये भारत दर्शन पे निकला हूँ, जहां भी मैं दोस्त बनाता हूँ वहां पे मैं अपनी दोस्ती की निशानी छोड़ के जाता हूँ। तो अपने जो पटेल साहब हैं वो अभी मेरे दोस्त बन गए, उनको मैं ये दोस्ती की निशानी देना चाहता हूँ। पटेल साहब, इसको आप स्वीकार करिए। कर्सन भाई, आप यहाँ प्यून हो और आप यहाँ प्यून 25 साल से आप यहाँ प्यून हो, तो आप सबसे सीनियर हो ये स्कूल में, तो ये आपको भी मैं अपने दोस्ती की निशानी देना चाह रहा हूँ। ये जैसे तारे जमीन पर थी प्राइमरी एजुकेशन के बारे में, छोटे बच्चों की कहानी थी। ये जो फिल्म है ये सेकेंडरी एजुकेशन, मतलब हायर एजुकेशन, जो लोग डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, हायर एजुकेशन के बारे में। तो वो जो युवा पीढ़ी है उनको क्या क्या तकलीफ होती है, उनको क्या टेंशन होता है, क्या उनकी प्रॉब्लम्स हैं, तो पूरा एजुकेशन सिस्टम के ऊपर हमने पिक्चर बनाया है। अपने स्कूल की तरफ से आप आना, गुजरात की तरफ से आना और हमको आशीर्वाद देना। हाँ, बहुत मजा आया बच्चों तुम लोगों के साथ मिलके। और एक दो चीज़ मैं तुम लोगों को बोल के जाऊँगा। एक तो जो टीचर होता है वो भगवान का रूप होता है, हमको हमेशा इज्जत और प्यार देने का। कुछ लोग पढ़ने में कमज़ोर होते हैं, कुछ लोग लैंग्वेजेस मतलब भाषा में कमज़ोर होते हैं। मेरे को भाषा बहुत देर से समझ में आती है, लेकिन हर इंसान में खूबी होती है, हर इंसान में कमज़ोरी भी होती है और हर इंसान में खूबी रहती है। आमिर खान भी पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर था, एक्टिंग में तेज है। तो आप लोग ये ध्यान रखना कि हमारा फर्ज बनता है कि जिस बच्चे में जो खूबी है हम उसको इंकरेज करें, उसको हम और बढ़ावा दें, उसको और बढ़ावा दें, और जो बच्चे में कमज़ोरी है उसको हम हेल्प करें, हम उसको सपोर्ट करें। और इंसान के अंदर अलग अलग किस्म की बुद्धि होती है, लिखना और पढ़ना ये दो किस्म की बुद्धि है, लेकिन ऐसे ही बहुत सारी बुद्धि हमारे अंदर है। लता जी अच्छा गाते हैं, उनमें गाने की बुद्धि है। सचिन तेंदुलकर अच्छा क्रिकेट खेलता है, उसमें क्रिकेट खेलने की बुद्धि है। तो ऐसे हर मनुष्य में अलग अलग किस्म की बुद्धि होती है। पढ़ाई लिखाई सिर्फ दो होती है। अगर आप कोई भी बच्चा आपका पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर है तो घबराने का नहीं, आपके अंदर बहुत सारी शक्ति अलग अलग किस्म की है। आप अपने अंदर देखो आपके अंदर क्या अच्छाई है, क्या शक्ति है, उसको आप फॉलो करो, अपना दिल फॉलो करो। जहाँ पे आपको लगता है कि यार इसमें मेरे को खुशी होती है, ये काम जब मैं करता हूँ मुझे खुशी होती है, तो वो काम आप सीखो। और टीचर्स से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि हर बच्चा जो है उसमें गुण होता है, आप उनको इनकरेज करो, बच्चों को खुश रखो, उनका आत्मसम्मान और ऊपर करो। मैं आया इधर, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने इतना प्यार दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का। अभी मेरा जाने का टाइम आ गया, अभी क्या करें, मेरे को जाना पड़ेगा। बाय किड्स, बाय। लैला के बथड़े में जाऊं या फरीद की शादी में गाऊं, कोट पहनने के मैं इतराऊं या शेरवानी में सज जाऊं।